तो मेरे भाई आज हम आप लोग को स्नैपसीड से ऐसा लाइट ब्लू क्रिएटिव फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ जो आप लोग को पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताया होगा। और आप लोग इस एडिटिंग का रिजल्ट देख सकते हो यहाँ पे कि इस तरह का फोटो एडिटिंग करने के बाद यार फोटो कितना ज्यादा धासू दिख रहा है, मतलब कितना ज्यादा बवाल दिख रहा है। और बहुत सारे भाई मुझे कमेंट करते रहते हैं कि भाई न्यू फोटो एडिटिंग सिखाया कीजिए। तो लीजिए, मैं आप लोगों के लिए न्यू दिमाग लगाता रहता हूँ। और इस तरह का फोटो एडिटिंग करना बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग वीडियो कम्प्लीट वॉच करते हो तो एक ही बार में सीख जाओगे। और यदि आप लोग को एडिटिंग पसंद आए उसके बाद वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लीजिएगा। और ओपन करने के बाद आप लोग को बीच में बड़ा सा प्लस का आइकन मिल जाता है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को गैलरी से जो भी फोटो को एडिट करनी होगी सिंपली वहां से उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जैसा कि आज हम आप लोग को इस फोटो पे बताने वाले हैं। और ये फोटो हल्का हल्का एडिटिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सबसे पहले पेंसिल और यहाँ पे आप लोग को ट्विन इमेज वाले ऑप्शन पे जाना है। और ट्विन इमेज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेंगे +70 के राउंड। और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को भी हल्का बढ़ा लेंगे उतना ही, 17 या फिर 18। और यहाँ पे एम्बियंस को बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से +32 के राउंड। ठीक है, इतना काम कर लेंगे, मतलब वन स्टेप कंप्लीट। ठीक है भाई, उसके बाद आप लोग को फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है। और टूल्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद अब क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे एक आप लोग को मिल जाता है पोर्ट्रेट का ऑप्शन। ठीक है, तो पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे कॉम्बो 2 को सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि मेरा पहले से सिलेक्ट है। और यहाँ पे फेस स्पॉटलाइट को यहाँ पे कर देंगे +14 के राउंड। और यहाँ पे स्किन स्मूथिंग को बढ़ा देंगे +74 या फिर 80 के राउंड। उसके बाद आप लोग को कर देना है डन। ठीक है, इतना काम हो जाएगा, टू स्टेप कंप्लीट। उसके बाद आप लोग को फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है, यानी पेंसिल वाले ऑप्शन पे। और यहाँ पे विंटेक का ऑप्शन पे क्लिक करना है। और सबसे लास्ट में आप लोग को मिल जाता है 12 नंबर, यानी 12 नंबर यहाँ पे मिल जाता है, उस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आप लोग को ऊपर करना है और यहाँ पे सेचुरेशन को कर देंगे कुछ इस तरह से -100। और यहाँ पे विग्नेट स्ट्रेंथ को कर देंगे कुछ इस तरह से +15 के राउंड। ठीक है, इतना काम कर लेंगे, उसके बाद आप लोग कर देना है डन। यहाँ से तो फोटो यहाँ से जो होगा वो ब्लैक एंड व्हाइट एकदम अच्छी तरह से हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को ऊपर अंडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे व्यू एडिट वाला ऑप्शन मिल जाता है आप लोग को, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा, विग्नेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और विग्नेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग को एडिट वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे इसको कर देंगे क्लिक। ठीक है, इतना सारा काम हो जाएगा, उसके बाद फोटो फिर से वैसा दिखने लगेगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग कर देना है इन्वर्ट। ठीक है भाई, और इन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग को विग्नेट जो है, विग्नेट को आप लोग को 0 ही रखना है, अगर नहीं है तो यहाँ से आप लोग कम कर लीजिएगा। उसके बाद इस इफेक्ट को सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपने स्किन से हटा लीजिएगा। ठीक है, स्किन पे कुछ इस तरह से फिंगर की मदद से अप्लाई करते करते, मतलब कर करके स्किन पर से हटा लेंगे कुछ इस तरह से फिंगर की मदद से। ठीक है भाई, तो चलिए हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं ताकि आप लोग को वीडियो पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और इतना काम हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को नीचे यहाँ पे राइट साइड में डन का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से इसको कर देंगे डन। और डन करने के एक बार, मतलब डन करने के बाद सिर्फ एक बार यहाँ से कर देंगे बैक। ठीक है, बैक कर देंगे और इतना सारा काम हो चुका है। उसके बाद बिफोर और आफ्टर यहाँ पे देख सकते हो फोटो में कितना ज़्यादा चेंजिंग आ चुका है। उसके बाद फिर से पेंसिल वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद इस बार जाएंगे यहाँ पे कर्व वाले ऑप्शन पर। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, कर्व वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पे आप लोग को चैनल का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली यहाँ पे चैनल वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से बहुत सारा कलर मिलेगा, लेकिन आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, रेड कलर को ही सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आप लोग क्या करना है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, राइट साइड में यहाँ पे एक लाइनिंग मिल जाता है, इसको पूरा आप लोगों को कर देना है डाउन। ठीक है, राइट साइड से पूरा डाउन कर देंगे। उसके बाद आप लोगों को कर देना है यहाँ से डन। ठीक है, यहाँ से डन कर देंगे और डन करने के बाद आप लोग को फिर से अंडो वाले ऑप्शन पर जाना है। और अंडो वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ से जाएंगे फिर से व्यू एडिट वाले ऑप्शन पर। और इतना सारा काम करने के बाद आप लोग को कर्व का एक फाइल ओपन हो जाता है, सिंपली वहाँ पर क्लिक करेंगे और बीच में आप लोग को एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे एकदम आराम से। उसके बाद आप लोग क्या करना है, आप लोग को फिर से यहाँ से कर देना है इन्वर्ट। और इन्वर्ट करने के बाद इस इफेक्ट को भी फिर से स्किन पर से, मतलब हटा लेंगे। ठीक है, हटाने के लिए क्या करना होगा, आप लोग ध्यान से देखते रहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को कर्व का ऑप्शन 100 है, तो सिंपली फिर से इसको 0 कर लेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर 0 नहीं रहेगा तो इसको 0 कर लीजिएगा। उसके बाद अपने स्किन पर से इसको भी एकदम आराम आराम से अप्लाई करते, मतलब कर करके हटा लीजिएगा। और इतना करने के बाद फोटो जो है अभी लाइट ब्लू में एडिट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को फिर से यहाँ से कर देना है डन। ठीक है, यहाँ से आराम से कर देंगे डन। और डन करने के बाद आप लोग क्या करना है, फिर से एक बार यहाँ से कर देना है बैक। ठीक है भाई, और इतना सारा काम हो चुका है स्नैपसीड ऐप के अंदर। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इस फोटो को भेज देंगे पिकार्ट एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से पहले यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से शेयर वाला ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली यहाँ से ही मतलब इस फोटो को कर देंगे पिकार्ट एप्लीकेशन में शेयर। तो ये फोटो पिकार्ट एप्लीकेशन में एड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर हो रहा है। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ से ऐप सब आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे पिकार्ट एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे पिकार्ट एप्लीकेशन में ये फोटो डायरेक्ट ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, मतलब
ये सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग को यहाँ से क्या करना है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही आसान प्रोसेस है यहाँ से, ठीक है भाई। उसके बाद सबसे पहले काम क्या करेंगे, आप लोग को सबसे ऊपर यानी सेकेंड नंबर में आप लोग को यहाँ पे टूल्स वाला ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग को एडजस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से ब्राइटनेस को कुछ इस तरह से कम करेंगे, जैसे कि -66 या फिर 65 के राउंड। उसके बाद आप लोग को इरेज वाले ऑप्शन पे जाना है और इरेज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से कर देंगे इन्वर्ट, और जहाँ पे स्काई है जैसे कि जहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे इस इफेक्ट को मतलब अप्लाई करेंगे, वहाँ पे हल्का हल्का डार्क कर देंगे, ठीक है, ताकि PNG जो हम ऐड करेंगे क्रिएटिव PNG वो एकदम अच्छे तरह से एडजस्ट हो पाए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे लाइटिंग लगेगा अपने बैकग्राउंड पे वहाँ वहाँ पे कुछ इस तरह से इसको अप्लाई कर देंगे एकदम आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है क्योंकि जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग को फिर से यहाँ से कर देना है डन, और डन करने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ से कर देना है डन। इतना सारा काम हो चुका है और इसमें एक काम और बाकी है जो PNG को ऐड करना है, तो आप लोग को यहाँ पे ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है और ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हम यहाँ से मतलब अपने गैलरी से यहाँ पे PNG को ऐड कर लेंगे, बहुत ही आराम आराम से, एकदम आराम आराम से करना है आप लोग को, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। तो गैलरी से यहाँ पे PNG को ले लिए हैं और यहाँ से ब्लेंड वाला ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको कर देंगे स्किन और यहाँ पे साइज को जूम कर लेंगे कुछ इस तरह से, मतलब ज़्यादा भी जूम नहीं करना है, ठीक है भाई। और यहाँ पे सर के पीछे मतलब एकदम बीचों बीच में आप लोग को रख देना है, रखने के बाद आप लोग को यहाँ पे इरेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ से कर देना है मतलब इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक, ठीक है। उसके बाद आप लोग को हार्डनेस को 84 या फिर 90 और साइज को छोटा कर लेंगे और छोटा करने के बाद कुछ इस तरह से जो फेस पे आ जाएगा, ये PNG का जो मतलब ये सब पार्ट सब है फेस पे आ जाएगा, इसको यहाँ से एकदम आराम आराम से इरेज कर लेंगे, मतलब फेस पे जरा सा भी इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है भाई, एकदम आराम आराम से इसको इरेज कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कपड़ा पे भी है तो कपड़ा पे भी फिंगर के मदद से कुछ इस तरह से अप्लाई कीजिएगा तो ये जो है मतलब बॉडी पे से भी गायब हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ ये PNG को अपने बैक में रखना है, अपने फ्रंट में नहीं, यानी अपने बॉडी पे नहीं, ठीक है भाई। इतना सारा काम हो जाएगा और इतना सारा काम होने के बाद देख सकते हो फोटो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से कर देना है डन और डन करने के बाद आप लोग क्या करना है, फिर से यहाँ से कर देना है डन, ठीक है। यहाँ से कर देंगे डन दो बार। उसके बाद आप लोग क्या करना है, फिर से आप लोग को जाना है ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे और ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद एक और PNG को ऐड करेंगे, ठीक है भाई। और वो PNG कौन है, यहाँ से हम इसको ऐड कर लिए हैं और ऐड करने के बाद साइज को कुछ इस तरह से रोटेट कर लेंगे, घुमा देंगे। घुमाने के बाद आप लोग को फुल साइज कर देना है, यानी पूरा साइज जूम कर देना है और जूम करने के बाद आप लोग को नीचे यहाँ पे फिर से ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जानेंगे और यहाँ से स्किन कर देंगे, ठीक है। स्किन करने के बाद फिर से आप लोग को इरेज वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से जाने के बाद आप लोग ध्यान से देखते रहिए आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से आप लोग को इन्वर्ट करना होगा और इन्वर्ट करने के बाद रीस्टोर और यहाँ पे साइज को कुछ इस तरह से 59% या फिर 60 के राउंड रख देंगे और बैकग्राउंड में कुछ इस तरह से अप्लाई कर देंगे तो ये PNG जो है बैकग्राउंड में भी आ जाएगा, तो काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी रियलिस्टिक लगेगा ये फोटो देखने में, ठीक है भाई। तो इसको भी एकदम आराम आराम से कर लेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है और इतना सारा काम हो जाने के बाद देख सकते हो फोटो यहाँ पे एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से कर देना है डन, ठीक है। डन करने के बाद फिर से आप लोग को यहाँ से कर देना है डन और इस तरह का फोटो एडिटिंग करना यार कितना ही आसान बात था, मतलब आसान काम था, आप लोगों ने देख लिया। और इसको इस फोटो को मतलब गैलरी में सेव करने के लिए एकदम बेस्ट क्वालिटी में आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग को साइड में यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फोटो जो होगा वो बेस्ट क्वालिटी में गैलरी में सेव होकर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये एडिटिंग एकदम अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी और वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।